भाग, और इसमें देख सकते हो आप हमारे क्रांतिकारी उनके स्टैचू बने हुए हैं। यहाँ पर जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी, तो वही जलियांवाला बाग। इसमें जो बैठक चल रही थी उसमें जनरल डायर ने अपने साथियों के साथ आकर गोलियां चलवाई थी, और इसमें काफ़ी निर्दोष क्रांतिकारियों की हत्या हुई थी। तो वो 1919 का जो ब्लैक डे है उसको याद कर किया जाता है हमारे शहीदों को। तो दोस्तों, ये वो म्यूजियम जहाँ पर हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड देख सकते हो। ये कुछ इस तरह का कृत्य किया था। वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है किस तरह से। तो गाइस देख सकते हो, हमारे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स भी देखने आए यहाँ पर, और मैंने उनका वेलकम किया और उनको बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हो गाइस, अभी मैं म्यूजियम से निकला हूँ। पीपल्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जलियांवाला बाग। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक कुकृत्य किया था जो बहुत ही भयानक घटना थी। तो दोस्तों, ये वो है कुआं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी कूद कर। अच्छा, यही वो कुआ है जिसमें लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने के लिए जो है लोग कूदे थे, लेकिन जनरल डायर की ऑर्डर्स पर जो है उसके सिपाहियों ने। दोस्तों, बिना ऑर्डर्स बिना वार्निंग के ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। इस वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखा तो कुएं में कूदना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, देख सकते हो जलियांवाला बाग जो स्वर्ण मंदिर से काफ़ी नज़दीक है, और इस मंदिर इस बाग की जो हिस्ट्री है वो इतिहास में हमेशा के लिए कैद कर दी गई है। इस कांड को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हो काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। तो देख सकते हो गाइस, इसमें काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। तो गाइस देख सकते हो, बहुत सारे लोग विजिट पर आए हैं। दोस्तों देख सकते हो, और ये सामने बनी है दोस्तों स्मारक। यही वो स्मारक है जो अपने शहीदों को याद के लिए बनाई गई है दोस्तों, देख सकते हो। जिन लोगों ने भी अपनी जाने दिए उनकी जाने बिल्कुल बेकार नहीं गई दोस्तों। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में बहुत आक्रोश हुआ, और अंग्रेजों के खिलाफ फिर एक के बाद एक क्रांतियां छिड़ती गई, और आखिर में अंग्रेजों को यहां से भागना ही पड़ा, क्योंकि इस तरह की कुकृत हत्याएं देश सहन नहीं कर सकता था। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी स्मारक बनी हुई हैं अमर शहीदों की, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है। देख सकते हो, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल्स माई आइडियाज। तो हमारे जो वीर सपूत थे उनका कहना था, दे मे किल मी वो मुझे मार सकते हैं, बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट, लेकिन वो अपनी
भावनाओं को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट ट्रम्प्स पेट्स ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों इस तरह के विचार थे हमारे क्रांतिकारियों के, उन्होंने अपनी जाने दे दी लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। देख सकते हो दोस्तों काफी स्मारक बनी हुई है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो रहस्य था। तो मैंने भी आपको दोस्तों पूरा दिखाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों लाइक तो करके ही जाना, लाइक शेयर कमेंट। प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए हमारे ये म्यूजियम जलियांवाला बाग के यही बहुत वीर सपूत है जिनको दिखाया गया मास मीटिंग फ्रेंच ब्राइड।